नमस्कार दोस्तों, शिवकास्ट क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज साइंस का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, यानी मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। आपका ऑप्शन ए है थैलमस, बी है सेरेब्रम, सी है हाइपोथैलमस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सेरेब्रम मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो सेरेब्रम है। थैलमस की बात करें तो यह दर्द ठंडा गर्म पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलमस की बात करें तो यह शरीर का ताप नियंत्रित करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सेरेब्रम मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, थैलमस यह दर्द ठंडा गर्म पहचानने का कार्य करता है, हाइपोथैलमस या शरीर का ताप नियंत्रित करता है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सेरेब्रम किससे संबंधित है, यानी सेरेब्रम किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है यकृत से, बी है हृदय से, सी है मस्तिष्क से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मस्तिष्क से। सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आपका ऑप्शन ए है परमस्तिष्क, बी है अनुमस्तिष्क, सी है मध्य मस्तिष्क, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी परमस्तिष्क मानव मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग है, यानी मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परमस्तिष्क। परमस्तिष्क की बात करें तो इसे सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। और मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है तो वह है अनुमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। यानी परमस्तिष्क को सेरेब्रम के नाम से जानते हैं और अनुमस्तिष्क को सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आपका ऑप्शन ए है श्वेत रक्त कोशिका, बी है लाल रक्त कोशिका, सी है तंत्रिका कोशिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका है। तो आज के सेशन का पाँचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, यानी मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। आपका ऑप्शन ए है 12, बी है 13, सी है 31, डी है 33। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 31। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, यानी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। आपका ऑप्शन ए है माइटोकांड्रिया, बी है हरित लवकों में, सी है राइबोसोम में, डी है लाइसोसोम में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी माइटोकांड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यानी मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है। आपका ऑप्शन ए है 16 से 18 बार, बी है 20 से 25 बार, सी है 12 से 41 बार, डी है 70 से 72 बार। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 16 से 18 बार। मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार सांस लेता है। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, यानी भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। आपका ऑप्शन ए है केंद्रक, बी है लाइसोसोम, सी है राइबोसोम, डी है माइटोकांड्रिया। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी माइटोकांड्रिया। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकांड्रिया में होता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को
प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, यानी क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। आपका ऑप्शन ए है लाइटिक अम्ल, बी है पाइरूविक अम्ल, सी है ग्लूकोज व एटीपी, डी है फ्यूमेरिक अम्ल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पाइरूविक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। आपका ऑप्शन ए है 4%, बी है 8%, सी है 16%, डी है 12%। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 4%। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। आपका ऑप्शन ए है कशेरुक रज्जु में, बी है अनुमस्तिष्क में, सी है प्रमस्तिष्क में, डी है तंत्रिका कोशिका में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो कशेरुक रज्जु में होता है। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, यानी तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। आपका ऑप्शन ए है न्यूरॉन, बी है एक्सॉन, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी न्यूरॉन। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, यानी मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। आपका ऑप्शन ए है मस्तिष्क कोशिकाएं, बी है पेशी कोशिकाएं, सी है अस्थि कोशिकाएं, डी है यकृत कोशिकाएं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मस्तिष्क कोशिकाएं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, यानी हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है उत्सर्जन तंत्र से, बी है प्रजनन तंत्र से, सी है मूत्र जनन से, डी है तंत्रिका तंत्र से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्सर्जन तंत्र से। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, तो उत्सर्जन तंत्र से। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यानी मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। आपका ऑप्शन ए है पित्त, बी है लसिका, सी है कोलेस्ट्रोल, डी है यूरोक्रोम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, यानी गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। आपका ऑप्शन ए है न्यूरॉन, बी है नेफ्रॉन, सी है धमनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन है। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपका ऑप्शन ए है एड्रिनल, बी है पिट्यूटरी, सी है थायराइड, डी है यकृत। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यकृत। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत नहीं है। बाकी सभी तीनों, यानी एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, यानी निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। आपका ऑप्शन ए है थायराइड, बी है जठर, सी है यकृत, डी है अग्नाशय। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जठर। निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, तो जठर ग्रंथि नहीं है। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपका ऑप्शन ए है थायराइड, बी है पैराथायराइड, सी है एड्रिनल, डी है पिट्यूटरी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड है। तो दोस्तों जितने भी साथी नए जुड़े हैं शिवकास्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है, यानी पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है यकृत, बी है मस्तिष्क, सी है गुर्दे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मस्तिष्क। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है, तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। तो आज के सेशन का दोस्तों 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। जितने भी साथी नए जुड़े हैं शिवकास्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।